ओम शांति। आमे भक्ति मार्ग रे समस्ते कही आसुथिले जे हे भगवान मते कृपा कर, मते आशीर्वाद दियो, एमती सब आमे भिखारी भली मागुथिले। किंतु भगवान वर्तमान आसी आमको कहउछंती, हे संतान माने तुम हेउछ अधिकारी, भिखारी नुहे, आमे समस्ते हेउछु परमात्माकर संतान। आमे ए दुनिया रे केवल अतिथि मात्र, आसीचु पुणि चलीजा सृष्टि रूपक रंगमंच दुनिया को जो अभिनय करने आसीचु, यह हूँ खेलघर। आम समस्ते खेल खेली सारापर उपर को निज घर को आम निश्चित भाव चलीजा। से जो आम अभिनेता बा अभिनेत्री हो समय आम भाविबा उचित जे स्वयं परमपिता परमात्मा होछन्ते आमर डायरेक्टर, आमे समस्ते तांको मतरे ही आमे चलिबा उचित। केबे भी मध्य दुईटी मत हेबा उचित नुहे, परमात्मांकर मत आमे शिरमाथे करिबा उचित। ताहले जाई आमे प्रकृत सुख शांति आनंदर अनुभव करिपारिबा। भगवान पुणी कहुछन्ती, मुँ जेंती दुखहर्ता सुखकर्ता, तुम्हें भी मध्य सेही भली दुखहर्ता सुखकर्ता हेबाकु पड़िबो। काहाकु भी मध्य केबे भी आमे दुख देबा नाही, मन वचन कर्मरे समस्तंकु सुख दे चलिबा। आसंतु आजि परमपिता परमात्मा आमको राइट हैंड करिबा पई कौन शिक्षा देउछंती शुणिबा। आजि आमे 20 अगस्त 2021 रो साकार महावाक्य। आजि बाबा कहुछंती, मीठे बच्चे, बाबांकर राइट हैंड हेबाकु हेले प्रत्येक कथारे राइटियस अर्थात सत्यतार परिचायक हुआ, सर्वदा श्रेष्ठ कर्म कर। आजर प्रश्न हैला, क्यों प्रकार संस्कार सेवारे बहुत विघ्न पकाई थाए? बाबांक उत्तर हैला, भाव स्वभाव वशवर्ती हेबा कारणरु परस्पर मध्यरे जेउ द्विमतर संस्कार होई जाउछि, एहा सेवारे बहुत विघ्न पकाउछि। दुईटी मत हेबा द्वारा बहुत क्षति हेउछि। क्रोधर भूत एपरी जे भगवानंक सामना करिबाकु भी डेरी करूनाही। सेथिपाई बाबा कहुछंती, मधुर पिला माने एहिपरि कौनसी संस्कार थिले ताकु बाहर करि दियो। आजिर गीत हेला, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले, रूहानी संतान अर्थात शिव बाबा जे सुप्रीम आत्मा अटंती, तांकर संतान आत्मा माने शरीर रूपी कर्मेन्द्रिय द्वारा गीत शुणिले। एबे तो पिला माननकु आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िब, एथिरे बहुत परिश्रम मध्य रहिछि। प्रति मुहूर्त रे निजकु आत्मा भावी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो, एहा हेउछि गुप्त परिश्रम। बाबा गुप्त होइथिबारु परिश्रम मध्य गुप्त करा जाउछि। बाबा स्वयं आसी कहुछन्ति, पिला माने मते मने पकाइले कल्प पूर्व सदृश्य पुनर्बार तुमे सत्प्रधान हेबो। पिला माने जानिछन्ति जे आमे सत्प्रधान थिलु, पुणि आमे ही एबे तुम प्रधान होइछु, पुणि सत्प्रधान निश्चित हेबाकु पड़िबो। गीतारे मध्य कहुछन्ति जे तुमे जेऊं भाग्य हराउछ ताकु पुणि पाइबा पई पुरुषार्थ करैथिबा जणे ही सर्वशक्तिमान बाबा अछन्ति। कारण जे समस्तंकु पावन करौछन्ति ना, बाबा पिलामानंकु बुझौछन्ति, हे आत्मिक संतान माने एबे मु तुमर भाग्य गढ़िबाकु आसीछि। छात्र माने स्कूल को पढ़िबाकु जाइथान्ति ना, सेमाने तो छोट पिला अटन्ति, तुमे छोट नुहे, तुमे बड़ ओ वयस्क अट, सेथिपई निजर भाग्य गढ़ुच। हाँ, केही बहुत वृद्ध मध्य अछन्ति, वृद्ध अपेक्षा युवावस्था रे पाठ पढ़िबा भल, जवान मानंकर बुद्धि भल होइथाए, एहा तो समस्तंक पई बहुत सहज अटे। तुमर शरीर तो बड़ अटे ना, ये छोट पिला एते कथा बुझी पारिबो नाही, काहे कि ना तांकर कर्मेंद्रिय ही छोट अटे,
स्मृति निंदा दुख सुख एही कथा को तुम्हें बुझी पारुछ। आत्मा तो बिंदु अटे, शरीर बढ़ी थाए, आत्मार चेहरा एकरस अर्थात स्थिर हो रही थाए, केबे छोट बड़ होई न थाए। सही आत्मार वृद्धि पाई बाबा कस्तूरी परी उपहार देउछंती, काहिकि ना एबे स्वच्छ हेउछि। एही चित्र बुझेबारे तुमर बहुत काम आसुछि। भक्ति मार्गरे देवता मानक सम्मुखरे जाई मुंड नुआई पूजा करिथांती। आगरु तुमे माने मध्य अंधश्रद्धारे मंदिर को जाउथिल, तुमे पूर्वरु शिवंक मंदिर को जाउथिल, तुमे कौन जानिथिल जे ये शिव बाबा अटंती? शिवंक ठारु निश्चय संपत्ति मिलिछि, सेथिपाई तांकर महिमा गान करा जाउछि। केहि भल काम करिगले तांकर महिमा गायन करा जाय थाए। शिव बाबांकर स्टाम्प तयारी करिबा दरकार। शिव बाबा गीता ज्ञानदाता, एही स्टाम्प सहजरे तयारी होई पारिबो। एही बाबा समस्तंकु सुख देउछंती। बाबा कहउछंती मु तुमकु सुख धामर मालिक कराउछि। बुढ़ी माने मध्य ए कथा बुझुछंती, आमे आसीचु शिव बाबांक पाखकु। जे विचित्र अटंती, जे एही चित्र अर्थात ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिछंती, निराकारंकु विचित्र कुहा जाउछि। बुद्धि रे रहुछि जे आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु, जे अस्थाई भावे एही शरीर धारण करिछंती, पतितंकु पावन कराई मुक्ति जीवन मुक्ति देउछंती, अथवा शांतिधाम सुखधामर बासिंदा करउछंती। मनुष्य शांति पाइबा पई ही चेष्टा करुछंती। भगवान मिलिगले शांति मिलिब, सेमाने सुख पाई पुरुषार्थ करुनाहंती, केवल बाबांक पाखकु घरकु जीवु। आमकु भगवान मिलिबा आवश्यक। वर्तमान समस्ते मुक्तिर आशा रखुछंती, केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जीवन मुक्ति नेउछ। अन्य समस्ते मुक्ति पाइबा पई इच्छा रखुछंती, जीवन मुक्तिर रास्ता बतेबा पाई केही नाहंती। सन्यासी मानंक पाखकु जाई शांति मागी थांती, कहंती मनर शांति किपरि मिलिब। जेउ माने रास्ता बतौछंती सेमाने मध्य मुक्ति को जिबे, मुख्य कौन एहा मध्य बुद्धिरे बुझि पारु नाहंती। विरक्त होई कहुछंती मुक्ति पाइगले। वास्तवरे मुक्तिधाम हेउछि आत्मा मानंकर रहिबार स्थान। सबु सेंटर पिला माने जानिछंती जे आमे नुआ दुनिया पई राज्य भाग्य नेउछु। बाबा हमकु नुआ दुनिया रो राज्य देउछंती। केउठी देबे? नुआ दुनिया रो नुआ दुनिया रे अथवा पुरुणा दुनिया रे देबे? बाबा कहउछंती मु संगम युगरे ही आसी थाए, मु ना सत्य युगरे ना कलि युगरे आसी थाए, एही दुई युगर मध्य समय रे आसी थाए। बाबा तो दुई युगर मध्य समय रे आसी थांती। बाबा तो समस्तंकु सद्गति देबे ना? एही परि नुहे जे दुर्गति रे छाड़ी देबे। सद्गति एवं दुर्गति एकत्र रही पारिबो नाही। पिला माने जानिछंती एही पुरुणा दुनिया विनाश हेबो, सेथिपाई एही पुरुणा दुनिया प्रति ममता रख नाही। बुद्धि कहुछि वास्तवरे एबे आमे संगम युगरे अछु, एही दुनिया बदलिब। एबे बाबा आसिछंती। बाबा कहुछंती मु प्रत्येक कल्पर संगम युगरे आसुछि, तुमकु दुखरु मुक्त करि हरिंक द्वारकु नै जाउछि। एहा ज्ञानर कथा। हरिद्वार कृष्णंक द्वारा अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाए। अच्छा, एहा पछरे पुणी लक्ष्मण झूला लगाई देइछंती। प्रथमे हरिद्वार आसिब, सत्य युग को हरिद्वार कहा जाए, पुणी राम लक्ष्मण आदि देखाउछंती। एपरी कौनसी कथा नाही, ए सबु मनगढ़ा कथा। रामंकर केते भाई देखेइछंती? चारि भाई तो होइनथांती, चारि आठ भाई तो कलिजुगरे होइथांती। गोटिए पटे ईश्वरीय संतान, अन्य पटे आसुरी संतान रहिछंती। एबे तुमे जानुछ जे शिव बाबा
ब्रह्मा शरीर में आसी शिव बाबा अच्छा ब्रह्मा हेउछंती दादा शिव बाबा अटंती ब्रह्मा हेउछंती दादा सीए प्रजापिता अटंती आत्मा मानंकर पिता तो अनादि अटंती सीए वर्तमान समय रे ब्राह्मण मानंकु रचना करुछंती एही परि नुहे जे शिव बाबा शालिग्राम को रचना करुछंती ना शालिग्राम तो अविनाशी अटे केवल बाबा आसी पवित्र करउछंती आत्मा पवित्र नहेला पर्यंत शरीर किपरि पवित्र हेब आमे आत्मा पवित्र थिबा समय रे सत प्रधान थिलु एबे अपवित्र तम प्रधान होइ जाउछु पुनी सत प्रधान किपरि हेबु एहा त सहज बुझिबार कथा तुमठारे वर्तमान खाद्य पडिबा द्वारा तुमे पतित तम प्रधान होइ जाइछ एबे पुनी सत प्रधान हेबाकु पडिबो हिसाब किताब चुक्त करी समस्ते शांतिधाम अथवा सुखधाम को आसीबे आत्मा माने किपरि आसुछंती ख्रिस्टियन माने मध्य स्मारकी सदृश निराकारी वृक्ष तयारी करी साथीरे बती लगाई उत्सव पालन करिथांती तुमे जानिछ जे सबु धर्मर अलगा अलगा शाखा रहिछि सेठारु प्रथमे आत्मा किपरि तळकु ओल्हाउछि एही ज्ञान तुमको मिली सारी आम आत्मा मानंक घर हेउछि शांतिधाम वर्तमान हेउछि संगम सेठारु सबु आत्मा आसीगले पुणी समस्ते घर को बाहुड़ी जिबे प्रलय तो हेबार नाही तुमे जानिछ आमे बाबांक ठारु भाग्य नै पुनर्बार स्वराज्य नेबाकु आसीछु एहा केवल कथारे नुहे बाबांकु मने पकाइबा द्वारा ही संपत्ति मिलेबो बाबा कहुछंती देह सहित जे भी देहर मित्र संबंधी आदि अछंती समस्तंकु भूली जाओ एहा चित्र ओ विचित्र अटे ना विचित्र तांकु कहा जाए जहांकु देखी हुए नाही एहा बहुत सूक्ष्म कथा आत्मा केते छोट आत्मा को बारंबार अभिनय रे आसीबाकु पड़ी थाए आउ कहारी बुद्धि रे एपरी ज्ञान नाही सर्वप्रथमे बुद्धि रे रखिबाकु हेब जे मु आत्मा परमात्मा आमर पिता अटंती तांकु ही पतित पावन हे भगवान कही याद करिथांती अन्य कोनोसी जागा को जीवार आवश्यकता नाही तेणु स्मरण मध्य जनंकु करिबा उचित भगवानंकु स्मरण कले निश्चय तांक ठारु किछि मिलिबो पुणी द्वार द्वार धक्का काहीं की खाऊछ भगवान को तो परमधाम रु आसीबाकु पड़िबो ना आमे सेठाकु जाई पारिबु नाही काहीं की ना पतित अटु पतित सेठाकु जाई पारिबो नाही एबे तुमे आश्चर्य हेउछ भक्ति मार्गर पाठ केते आश्चर्यजनक अटे जने भगवान को ही स्मरण करुछंती हे ईश्वर हे परमपिता ओ गॉड फादर जदि से एक अटंती तेबे अन्य केउठी धक्का काहे की खाउछ से जणे ही उपरे रहुछंती किंतु ए सबु निधार्य रहिछि ड्रामा अनुसारे भक्ति करुछंती एहा अति अज्ञानता अटे एबे पुणी तुमे अति बुद्धिमान हेउछ श्रीमतरे चालुथिबा आत्मा ही बुद्धि संपन्न होइथांती से माने पुणी गुप्त रही पारिबे नाही एहा सर्वदा श्रेष्ठाचारी कर्म ही करिबे बाबा कहुछंती मो दुखहर्ता सुखकर्ता अटे तेणु मो पिला माने भी केते मधुर हेबा उचित पिला माने बाबांकर दक्षिण हस्त हेबा उचित एही परी संतान माने ही बाबांकर प्रिय अटंती राइट हैंड अर्थात दक्षिण हस्त अटंती ना तुमे जानिछ जे बाम हातरे एत्ते काम करी हुए नाही काहेकि ना दक्षिण हातरे ही पुण्य कार्य करिथांते सेथि पई एही दक्षिण हातकु मध्य शुभ कामरे लगाइथांते पूजा सर्वदा दक्षिण हातरे करिथांते बाबा कहुछंते प्रत्येक कथारे सोचट हुओ बाबा मिलिथिबारु खुशी हेबा दरकार बाबा कहुछंते केवल मते मने पकाइले अंतमति अनुजाई गति होई जाए।
अंतमति अनुजाई गति होइजिबो मत ओ गत अथवा गति करिबार मत एक ही अटे गायन करा जाए ईश्वरंका मत गत मत ईश्वर ही जानती से ही पतित पावन अटंती से जानिछंती मो मनुष्य मानंकु पावन कराई दुर्गति को सद्गति को किपरि नेइजिबि भक्ति मार्ग रे केते कष्ट करुछंती किंतु सद्गति हेउ नाही फल किछि हेले बि मिलु नाही सद्गति दाता जणे ही बाबा अटंती भक्ति रे जिए जेउ भावना रे पूजा करिथांती तांकु मु ही फल देउछि एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित रहिछि निजर पुरुषार्थ अनुसारे तांकु स्वतः मिलि जाउछि एबे पवित्र मध्य पिलामानंकु निजर पुरुषार्थ अनुसारे ही हेबाकु पड़िब बाबा कहुछंती मीठा मीठा बाबांकु मने पकाओ सेही सर्वशक्तिमान अलमाइटी ऑथोरिटी आमको केते शक्तिशाली करौछंती तुम्हें सबकिछि जानी सारी पुणे बाबांक ठारु संपत्ति नेउछ रचयिता ओ रचनार ज्ञान तुम बुद्धि रे अछि तुम्हें जानिछ जे एही ज्ञान आम पाखरे नथिला यज्ञ तप आदि करिबा शास्त्र आदि सुनिबा एहा हेला शास्त्रर ज्ञान एहाकु भक्ति कहा जाउछि एथिरे जीवन रे लक्ष्य किछि हेले नाही पाठ पढ़ारे लक्ष्य रही थाए कौनसी ना कौनसी प्रकार ज्ञान रही थाए आमको पतितरु पावन हेबाकु ज्ञान पतित पावन बाबा ही देउछंती सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बाबा ही देउछंती सृष्टिचक्र किपरि घुरुचि एथिरे समस्त अभिनेता पाठधारी अटंती अनादि नाटक पूर्व प्रस्तुत अटे एही अविनाशी ज्ञान त निश्चित रहिबा दरकार तुमे पिला माने जानिछ एबे आमे घोर अंधकार रु बाहरी आलोक आड़कु जाउछु तुमे एबे देवता हेउछ ए कथा मध्य बुझेबा उचित जे आदि सनातन देवी देवता धर्म अछि जहांकु हिंदू धर्म कहि देउछंती धीरे धीरे समस्ते एही कथा मध्य बुझि जिबे पिला माने छिड़ा हेबा उचित एथिरे अनेक संतान आवश्यक दिल्ली रे मेला करिबाकु पड़िब दिल्ली को परिस्थान मध्य कुहा जाए एहा जमुनार कूळरे थिला दिल्ली राजधानी थिला अनेकंकर हातकु एहा आसीछि देवता मानंकर मध्य एहा राजधानी थिला दिल्ली रे बहुत बड़ कॉन्फ्रेंस अथवा मेला हेबा दरकार किंतु माया एपरि जे किछि हेले करिबाकु देउ नाही विघ्न बहुत पकाउछि आजिकाली भाव स्वभाव मध्य बहुत होइगलाणी पिला माने परस्पर सहित मिसि सेवारे लागिजिबा उचित से माने मध्य परस्पर सहित न मिसिबारु राजत्व उड़ी जाउछि दुई दल होइगले पुणि प्रेसिडेंट को अर्थात राष्ट्रपति को मध्य उड़ई देथांति द्वेत मत बहुत हानिकारक अटे पुणि भगवानंकर सामना करिबाकु मध्य डेरी करि नाहांति क्षति मध्य बहुत होइथाए क्रोधरे भूत आसीगले से कथा न कहिले भल सेथिपई बाबा कहउछंती गुड़ जाने गुड़र गोथरी जाने अर्थात ब्रह्मा बाबा ओ शिव बाबा जानिछंती बाबा पिला मानंकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुणउछंती एबे केही धारण करंतु बा न करंतु एहा हेउछि तांका पुरुषार्थर आधार एही परि नुहे जे कहा उपरे बाबा आशीर्वाद अथवा कृपा करिवे एथिरे कृपा आदि मागिबार कथा नाही जदि प्रेरणा सहाय्य रे ज्ञान ओ योग सिखेइबार होइथांता तेबे बाबा कहउछंती मु एही भिखारी दुनिया को आसीथांती काहेकि प्रेरणा आशीर्वाद ए सबु भक्ति मार्गर अक्षर एही ज्ञान मार्गरे अर्थात पुरुषार्थ करिबाकु हेबो प्रेरणार कौनसी कथा ही नाही तुमको एकत्र तीनोटी इंजिन मिलिछि दुनिया रे तो बापा अलगा शिक्षक अलगा मिलिथांती गुरु तो पछरे मिलिथांती एठारे तो तीनि हे एकत्र रहिछंती बाबा कहउछंती मु तुमको पूज्य कराउछि तुमे पुणि पुजारी होइजेबो बहुत युक्ति रे बुझेबाकु हेबो
एपरि न हेउ जे केहि बेहोश होइ जान्तु। सर्वप्रथमे मुख्य हेउछि दुईटी पितांकर कथा। भगवान बापा अटन्ति, तांकर जन्म शिवजयंती मध्य एहिठारे ही पालन करुछन्ति। निश्चित से स्वर्गर मालिक हो जाउथिबे। भारतरे ही स्वर्ग थिला, वर्तमान नरकर विनाश पाई महाभारत लड़ई सम्मुखरे दंडायमान। निश्चित बाबा नुआ दुनियार स्थापना मध्य करउछन्ति। बाबांको श्रीमत आधाररे आमे कहुछु जे भारत को पवित्र करै छाड़बू। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकु स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार, जेपरी बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती सेहिपरी बाप समान हेबाकु पड़िब। बहुत मीठा हेबाकु हेबो। सर्वदा शुभ काम करी राइट हैंड अर्थात दक्षिण हस्त हेबार अछि। दुई नंबर पॉइंट हला केबे दुईटी मत हेबा अनुचित। भाव स्वभावर वशवर्ती होई परस्परर सामना करिवार नाही। क्रोधर भूत बाहर करिदेबा उचित। आजिर वरदान हला फरियाद अर्थात अभिजोग को याद अर्थात जोगरे परिवर्तन करी स्वतः एवं निरंतर जोगी हो। संगम जुगर विशेषता हला एबे एबे पुरुषार्थी एबे एबे प्रत्यक्ष फल एबे स्मृति स्वरूप एबे प्राप्तिर अनुभव। भविष्यत प्राप्तिर त ग्यारंटी रहिछि किंतु भविष्यत ठारु श्रेष्ठ भाग्य वर्तमान ही मिलुछि। जदि एही भाग्यर निशारे रहिबो तेबे स्वतः भावरे जोगजुक्त स्थिति रहिबो एवं जेउठारे जोग अछि सेठारे कोनोसी अभिजोग रहिबो नाही। कौन करिबी किपरि करिबी एहा त हेउ नाही, टिके साहाज्य करि दियो, ए सबु हेला अभिजोग। तेणु अभिजोग को छाड़ी स्वतः जोगी निरंतर जोगी हुओ। आजिर स्लोगान हला जेउ माने निजकु अतिथि मने करी चालंती सेही माने ही महान स्थितिर अनुभव करिथांती। अच्छा, ओम शांति।